Now let's take the next example. The sum of lengths of the hypotenuse and a side of a right angle triangle is given. Show that the area of the triangle is maximum when the angle between them is pi by 3. Now what does this question mean? Let's say we have a triangle. Let's say this is a right angled triangle. And let's say this is A, B, C. This is a hypotenuse and this is side. So, सबसे पहले given क्या है question में? Given is the sum of the lengths of hypotenuse and a side. A side मतलब कोई भी हम side ले सकते हैं other than the hypotenuse. तो उस hypotenuse और एक side का length का sum constant है, given है. तो show करना है area of the triangle maximum कब होगा? जब the angle included them is pi by 3. तो let's say हमने कहा हमारा hypotenuse H है और वन ऑफ द साइड बी सी इज एक्स. तो गिवन क्या है? एच प्लस एक्स की जो लेंथ है सम इनका कॉन्स्टेंट है. गिवन मीन्स कॉन्स्टेंट, यू कैन नॉट चेंज दिस. लेट्स से वो सी है तो एक्स प्लस एच सी है. तो एक्स और एच वेरी कर रहे हैं, एक्स और एच की वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, पर उनका सम हमेशा सी ही आना चाहिए, उनका सम चेंज नहीं हो सकता. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं सी इज 90, फॉर एग्जाम्पल, तो एक्स प्लस एच 90 है का मतलब क्या हुआ? एक्स की वैल्यू आप कुछ दो, एच की वैल्यू कुछ दो, पर उनका सम हमेशा 90 रहना चाहिए. तो देर इज अ सिचुएशन, देर इज अ कंडीशन विच इज बाइंडिंग एक्स एंड एच टूगेदर. वो क्या है? एक्स प्लस एच हमेशा जैसे 90 रहे. तो अगर मैं एक्स को 10, एच को 80 ले लूं तो 90 हो जाएगा. फिर एक्स और एच की इन वैल्यूज के लिए मैं एरिया निकालू उस ट्राइंगल का, हाफ. बेस क्या है? एक्स. और हाइट क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब एच और एक्स दोनों वेरी कर रहे हैं तो एरिया अलग अलग वैल्यूज ऑफ एक्स और एच के लिए चेंज होगा. तो हमने x को 10 और h को जब 80 लिया तो इसका एरिया निकल के आया कुछ. फिर हमने x को लेट से 20 ले लिया, h को 60, h को 70 ले लिया, फिर हमने एरिया निकाला. ऐसे हम हर डिफरेंट पॉइंट्स पे जितने x और h पे हम ट्राई कर सकते हैं निकालेंगे, उस पे एरिया निकालेंगे. तो क्वेश्चन ये कहता है कि जिस x और h पे एरिया मैक्सिमम आएगा उस वक्त जो एंगल बिटवीन देम होगा, इन दिस केस h और x के बीच में एंगल ये है, तब एंगल पाई बाय थ्री होगा जब एरिया मैक्सिमम होगा हमारा. तो फॉर दैट वैल्यू ऑफ एक्स एंड एच ये एंगल क्या आ रहा होगा? 60 डिग्री आ रहा होगा. तो वेरिएबल्स हमारे क्या है? एक्स और एच, और उनका सम क्या है? कॉन्स्टेंट है. ठीक है, तो लेट्स नाउ स्टार्ट. दिस वॉज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन. तो सबसे पहले लेट द हाइपोटन्यूज ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज एच एंड साइड बी सी इज लेट से एक्स. ये साइड हमने ले ली. तो गिवन क्या है? एक्स प्लस एच इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहा. एंड वॉट इज टू बी मैक्सिमाइज? एरिया को मैक्सिमाइज करना है. तो एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट. एंड वॉट इज ए बी? बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर विच इज एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो आई कैन राइट दिस इज हाफ ए बी इज एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बेस इज एक्स. नाउ अगेन वी आर फाइंडिंग कि हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है, लेकिन ए तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, एरिया तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है. तो हम स्क्वायर कर ले टू अवॉइड दिस सिचुएशन. तो 1/4 एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ ठीक है, नाउ एच और एक्स दोनों वेरी कर रहे हैं, मतलब दोनों वेरिएबल्स हैं, तो हमें एक वेरिएबल रिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ द गिवन कंडीशन. तो एच की जगह हम क्या लिख दें? सी माइनस एक्स. तो अवर इक्वेशन नाउ बिकम्स एक्स स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर की जगह सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच बिकम्स 1/4 एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड, तो व्हाट इज लेफ्ट इज ए स्क्वायर 1/4 एक्स स्क्वायर अंदर गया सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2cx³. नाउ अब तो पूरा फंक्शन हमारा एक ही वेरिएबल एक्स में आ गया बिकॉज सी इज कॉन्स्टेंट. तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए स्क्वायर का क्या हो गया? 2a dA बाई डी एक्स. चेन रूल 1/4 सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 2x स्क्वायर का 2x माइनस 2c कॉन्स्टेंट, x³ का 3x²
तो डी ए बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1/8a, एंड इज एनीथिंग कॉन्स्टेंट, वी कैन सी सी इज कॉन्स्टेंट, एक्स इज कॉन्स्टेंट एंड टू इज कॉन्स्टेंट, तो वी आर लेफ्ट विथ सी माइनस 2cx, 3x. नाउ दिस शुड बी जीरो फॉर टर्निंग पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स, जहां पे हमारा डीवाई बाई डी एक्स जीरो होगा, वो पॉइंट पोटेंशियल पॉइंट्स होंगे मैक्सिमम मिनिमा के. तो इन दिस आइदर x इज जीरो, क्योंकि c तो जीरो हो नहीं सकता, तो आइदर x इज जीरो और c माइनस 3x इज जीरो. तो देयरफॉर x जीरो हो नहीं सकता, बिकॉज साइड ऑफ ट्राइंगल जीरो हो नहीं सकती, तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा. तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या है, c बाय 3. नाउ दिस इज द पोटेंशियल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा. नाउ व्हाट डू वी डू, अब हमें सेकंड डेरिवेटिव पे चेक करना है कि एक्चुअली ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. तो वी कैन सिंप्लीफाई दिस एज 2c बाय 4 cx माइनस 3x स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो 2 बाहर, a बाहर, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, डी ए बाई डी एक्स का डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी ए बाई डी एक्स बाहर, डी ए का क्या होगा डी ए बाई डी एक्स, तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर. देन वी हैव राइट साइड, तो ये वंस टाइम टू टाइम्स, सी बाई टू बाहर क्योंकि कॉन्स्टेंट है, सी बाहर एक्स का 1 माइनस थ्राइस एक्स स्क्वायर का 2x. ऑब्वियसली डी ए बाई डी एक्स तो जीरो है, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट के लिए जीरो होगा. तो क्या आएगा, 2a डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई टू टाइम्स सी माइनस 6x. नाउ डी ए बाई डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, सी अपॉन 4a सी माइनस 6x. नाउ किस पॉइंट पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू सी बाय 3. तो डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू सी बाय 3 विच गिव्स यू सी अपॉन 4a c माइनस 6 इंटू सी बाय 3. 3 वन सा 3 टू सा, तो क्या आया माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4a. ऑब्वियसली सी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, a क्योंकि एरिया है ऑलवेज पॉजिटिव होगा, 4 पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव है, देयरफॉर दिस विल बी लेस देन 0 फॉर ऑल x. देयरफॉर x इज इक्वल टू सी बाय 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा. कौन सा फंक्शन, एरिया का फंक्शन. तो नाउ व्हेन x इज c बाय 3, h कितना होगा, c माइनस x विच इज c माइनस c बाय 3 विच इज 2c बाय 3. एट दीज वैल्यूज ऑफ x एंड h एरिया मैक्सिमम होगा. देखो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो, 2c बाय 3 एंड जो साइड है उसकी वैल्यू c बाय 3. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फिर क्या होगा, वी हैव टू प्रूव जब एरिया मैक्सिमम है तो इन दोनों के बीच का एंगल शुड बी पाई बाय 3. तो लेट्स चेक दिस. तो दिस कम्स आउट टू बी a b c. ये x था, इसकी वैल्यू आई c बाय 3, दिस वॉज h, दिस वॉज 2c बाय 3, दिस वॉज द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम. तो वॉट इज थीटा, cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज सी बाय 3 अपॉन 2c बाय 3 विच गिव्स यू हाफ. एंड cos थीटा हाफ कब होगा, व्हेन थीटा इज 60 डिग्री. और थीटा 60 डिग्री कब हो रहा है, जब एरिया मैक्सिमम है एंड एट दैट पॉइंट x और h की वैल्यू क्या है, 2c बाय 3 और c बाय 3 रिस्पेक्टिवली, और उस वक्त फिर एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री. एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स inscribed in a given circle, the square has the maximum area. Now, what does this mean? Now, suppose this is a circle and given circle matlab. Now, this is important. Given kya cheez hai, circle. Now, circle is defined by its radius. Agar mujhe radius pata ho circle ka, I can draw a circle. To given circle ka matlab kya ho gaya? फर्स्ट पॉइंट, गिवन सर्कल मींस रेडियस ऑफ सर्कल इज नोन या गिवन. और गिवन मतलब कॉन्स्टेंट है, मतलब रेडियस हमको पता है एंड इट कैनॉट बी चेंज्ड. तो लेट्स से हमारा ये सेंटर है एंड लेट्स से दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज, लेट
रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, मतलब आर हमारा कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा. नाउ इट सेज कि इस सर्कल में हम रेक्टेंगल्स इंसर्ट करें, इंस्क्राइब करें. तो लेट से let's say एक हमने इसमें रेक्टेंगल इंस्क्राइब करा. तो द क्वेश्चन इज कि हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के रेक्टेंगल इंस्क्राइब करें. नाउ समवन माइट से कि हम ऐसे इंस्क्राइब करें, ये भी एक रेक्टेंगल होगा. Someone might say कि we'll draw a rectangle like this. This is also a rectangle. तो अलग अलग साइज के rectangles we can inscribe in the circle. उनका कुछ एरिया होगा. तो we have to show कि ऐसा rectangle, या rather जो सबसे बड़ा rectangle हम इसमें inscribe कर पाएंगे. और ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल इंस्क्राइब करेंगे उसका एरिया भी सबसे बड़ा होगा. मतलब जो मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल हमें इसमें इंस्क्राइब कर पाएंगे वो तब होगा जब उसका लेंथ और ब्रेथ उस रेक्टेंगल का सेम होगा. दैट इज वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा. वी हैव टू शो कि जो मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल हम किसी इस सर्कल में इंस्क्राइब कर सकते हैं, सर्कल का रेडियस कॉन्स्टेंट है, तो इसमें जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर पाएंगे वो तब होगा जब उसका लेंथ और ब्रेथ सेम होगा. दैट इज एक स्क्वायर वुड बी द मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो लेट्स ड्रॉ इट अगेन. दिस इज योर सर्कल एंड लेट्स से दिस इज योर रेक्टेंगल. दिस इज योर रेक्टेंगल. Let's name it as A. Name it as A, B, C and D. So obviously there would be a center of the circle. So what will be this length? This would be obviously 90 degree क्योंकि rectangle insert किया. This is the center O. Consider a circle of center O and radius R. और R constant है क्योंकि given circle है, मतलब radius constant है. तो हमने ये rectangle insert किया. अब since we know that triangle or rather angle in a semicircle is 90 degree, तो ये angle क्योंकि 90 degree है, therefore BD क्या हो जाएगा, is the diameter. BD क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा. क्यों, क्योंकि फिर एंगल इन अ सेमी सर्कल BD जब तक डायमीटर नहीं होगा, ये सेमी सर्कल नहीं होगा BDCB, और एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, देखो BD हैज टू बी द डायमीटर. अगर BD डायमीटर है तो देखो लेंथ ऑफ BD क्या हो जाएगी, 2R, बिकॉज इट इज द डायमीटर. नाउ इन सच सिचुएशन ज्यादातर क्वेश्चन में वी कैन डू दीज क्वेश्चन इन मेनी वेज, बट द इजिएस्ट वे इज द वे जिसमें आपको कम से कम वेरिएबल्स अज्यूम करने पड़े. तो ऑब्वियसली BD लेंथ तो 2R है विच इज कॉन्स्टेंट. अब या तो हम DC की लेंथ और BC की लेंथ अज्यूम करें, दो वेरिएबल्स आएंगे हमारे, देन हम उसको कोरिलेट करें. लेट से फॉर एग्जाम्पल हमने कहा DC की लेंथ X है, BC की लेंथ Y है, तो X, Y और BD, BD इज 2R, उनमें रिलेशन क्या हो जाएगा, X square plus Y square is equal to 2R whole square. This can also be the approach. फिर हम एरिया निकालेंगे BD into DC, sorry BC into DC, और फिर दो variables को एक में convert कर देंगे. This is one approach. The other approach is that we can assume an angle. ये angle हमने कह दिया theta है. अब theta obviously vary होगा, जब हमारी ये length और ये length vary होगी तो theta भी vary होगा. तो instead of taking x and y, हमने किसको vary करा दिया, theta को vary करा दिया. और obviously जब theta vary होगा तो x y वेरी हो रहा है तभी थीटा वेरी होगा. तो नाउ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल बी सी डी, व्हाट वुड बी बी सी अपॉन बी डी,
base upon hypotenuse would be cos theta. Similarly, BC upon BD would be sin theta. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको किस चीज को मैक्सिमाइज करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल को. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या होगा? BC लेंथ इंटू CD लेंथ. तो हमें BC और CD की लेंथ चाहिए. तो फ्रॉम द अबव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो BC की लेंथ क्या हो गई? BD इंटू cos थीटा. सिमिलरली DC की लेंथ हो गई BD sin थीटा. तो BD तो 2R है, 2R cos थीटा, और ये क्या है? 2R sin थीटा. तो हमें BC और DC दोनों की वैल्यूज मिल गए. नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. लेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी ए. तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया? 2R cos थीटा इंटू 2R sin थीटा. तो आई कैन सिंप्लीफाई दिस एज R स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा. पर 2 sin थीटा cos थीटा तो इज sin 2 थीटा. देखो 2R स्क्वायर sin 2 थीटा. और चेक करिए, इसमें सिर्फ हमारा एक वेरिएबल है थीटा. आई डोंट हैव टू कन्वर्ट दिस या इसको एक्सप्रेस करूं किसी दूसरे वेरिएबल में, रिड्यूस करूं, कोई जरूरत नहीं. तो नाउ डिफरेंशिएटिंग ए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा? डी ए बाई डी थीटा क्या हो गया? 2R स्क्वायर विच इज कॉन्स्टेंट, एंड साइन का क्या होता है? कॉस थीटा, पर थीटा की जगह 2 थीटा लिखा है, तो कॉस 2 थीटा. एंड देन वी मूव इनसाइड, 2 थीटा का क्या हो गया? 2. वी शुड पुट दिस टू 0 फॉर टर्निंग पॉइंट्स टू फाइंड आउट द पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, जहां पे मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है, टू फाइंड आउट दोज पॉइंट्स. तो ऑब्वियसली कॉस 2 थीटा क्या हो गया? 0. तो 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा 0 मतलब cos theta equals 0 मतलब theta 90 हो, therefore 2 theta is 90, therefore theta क्या आ गया? 45. This is the possible point of maximum minima. Now what we do? We differentiate it again to find the second derivative d square a by d theta square. तो क्या होगा? 4R square तो constant है, cos 2 theta का क्या होगा? Minus sin 2 theta, and 2 theta का 2. तो d square a upon d theta square is minus 8R square sin 2 theta. और हम किस पे चेक कर लें इसको? एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4. तो क्या वैल्यू आई? माइनस 8R स्क्वायर साइन 2 इंटू पाई बाय 4 विच इज पाई बाय 2. साइन पाई बाय 2 इज 1, यानी माइनस 8R स्क्वायर. नाउ R स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 8 भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव. देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल इज मैक्सिमम when theta equals to pi by 4, it becomes point of maxima. Point of maxima मतलब इस point पे function maximum value देगा. तो obviously हमारी जो BC और BD की length थी, sorry BC और CD की length, ये थी 2R cos theta और ये थी 2R sin theta. तो obviously theta क्या है? 45. तो BC की length कितनी आई? 2 into R into cos 45, which is 2R upon root 2, which is root 2R. Similarly, CD की length क्या आई? 2R into sin 45, which is CD equals to 2R upon root 2, which is root 2R. तो हमारे जो adjacent sides है rectangle के, let's say, जो हमारा rectangle बनेगा, जो हमारा inscribed rectangle था, this was our inscribed rectangle A B C D. तो इसकी लेंथ क्या आई? रूट टू आर. और इसकी लेंथ भी क्या आई? रूट टू आर. और ये कब आई? जब हमने पाया कि हमारा एरिया ऑफ द इंस्क्राइब रेक्टेंगल मैक्सिमम है, तो उस समय लेंथ और ब्रेथ क्या हो गई है? सेम हो गई है. तो रेक्टेंगल हैज बीन कन्वर्टेड टू व्हाट? अ स्क्वायर. तो मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इंस्क्राइब रेक्टेंगल विल बी व्हेन it becomes a square. Now let's take the next question. We have to show that the triangle of maximum area that can be inscribed in a given circle is an equilateral triangle. Again, suppose we have this circle, and given circle matlab, again सर्कल तो इज डिफाइंड बाय इट्स रेडियस. तो अगर रेडियस हमें पता होगा तो सर्कल
फिक्स हो जाएगा. तो गिवन सर्कल मतलब उसका रेडियस इज गिवन. तो लेट अस कंसीडर अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर. और रेडियस आर मतलब क्या, कॉन्स्टेंट हो गया. लेट दिस बी द सेंटर, दिस इज द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल. नाउ इसमें हमने ट्राइंगल इंस्क्राइब किए, तो बहुत सारे ट्राइंगल इंस्क्राइब हो सकते हैं. लेट से वी हैव दिस, दिस इज वन सच ट्राइंगल. और भी ट्राइंगल हो सकते हैं. लेट से दिस इज योर ट्राइंगल, दे कुड बी अदर ट्राइंगल्स. कुछ और हम ट्राइंगल ले रहे हैं. There can be many triangles that you can inscribe in this circle. So we have to show कि वो triangle जो सबसे ज्यादा area का होगा, maximum area का होगा, वो कब होगा, जब वो triangle equilateral हो. जो हम सबसे बड़ा triangle इस given circle में inscribe कर सकते हैं, हमें show करना है कि वो triangle maximum area का कब होगा, जब वो equilateral triangle बने. ठीक है, तो let's start. Let's say we take the circle again. Let's say this is our circle and let's say we inscribe a triangle in it. This is the triangle that we have inscribed and we name it as A, B and C. Now this is the center. तो व्हाट वी डू, हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए. तो व्हाट वी नीड इज द बेस एंड द परपेंडिकुलर. हाफ बेस इनटू हाइट लगाना है हमें. तो लेट्स से वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर. ऑब्वियसली एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब जो ऑल्टीट्यूड है ट्रायंगल का वो मैक्सिमम हो. तो That should be along the diameter. अगर उसे maximum altitude का होना है तो उसको obviously जो diameter है उसके along होना पड़ेगा. और diameter के होने का मतलब it should pass through center then. तो AO जो है, जो line perpendicular to A है on BC, that is D, वो किससे pass करेगी, O से भी pass करेगी. Now what we do is we join OB and OC. Obviously OA length is same as OB length is same as OC length and each being equal to R. ये radius C के बराबर है. तो what we do, we assume this angle, angle OCD as theta. Obviously जैसे जैसे triangle की sides बदलेंगी ये theta भी बदलेगा. तो theta हमारे लिए एक variable है, that depends on the sides of the triangle. तो ठीक है. नाउ दिस लेंथ इज आर, तो ये परपेंडिकुलर भी है. ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज, व्हाट इज ओडी लेंथ. ओडी अपॉन ओसी वुड बी साइन ऑफ थीटा. वी आर कंसीडरिंग इन ट्राइंगल ओडीसी. ओडी वुड बी इक्वल टू ओसी साइन थीटा, बट ओसी इज आर, आर साइन थीटा हो गया. वाई आर वी फाइंडिंग दिस, क्योंकि हमें ऑल्टीट्यूड एडी की लेंथ चाहिए. एंड एडी इज ओ ए प्लस ओडी. ओ ए इज आर एंड ओडी हमने निकाल लिया आर साइन थीटा. मोर ओवर डीसी अपॉन ओसी वुड बी कॉस थीटा. तो डीसी कितना हो जाएगा, ओसी कॉस थीटा. एंड ओसी क्या है, आर, यानी आर कॉस थीटा. तो देखो बीसी की लेंथ क्या होगी, बीसी की लेंथ क्या होगी, ट्वाइस ऑफ डीसी, सिमेट्रिकल है ये. ठीक, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर कॉस थीटा. बस ठीक है, तो हमें बीसी की लेंथ भी मिल गई, एडी भी मिल गई. देखो एरिया ऑफ द इंस्क्राइब ट्राइंगल इज हाफ ऑफ एडी इंटू बीसी. तो विच मीन्स हाफ
AD की लेंथ कितनी हो गई, वी कैन राइट दिस इज आर वन प्लस साइन थीटा. तो आर वन प्लस साइन थीटा इंटू BC की लेंथ हो गई टू आर कॉस थीटा. तो वी कैन सी कि हमारा पूरा जो फंक्शन आया है जिस ये एरिया को हमें ऑप्टिमाइज करना है मतलब मैक्सिमाइज करना है, तो ये किसके टर्म्स में सिर्फ आ रहा है आर के सॉरी थीटा के टर्म्स में. तो वी हैव आर स्क्वेयर कॉस थीटा प्लस और आधा इट इज साइन थीटा. दिस इज वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. अब तो हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो डी ए बाई डी थीटा क्या आया आर स्क्वेयर कॉमन और यहां तो प्रोडक्ट रूल लग गया तो कॉस थीटा बाहर वन प्लस साइन थीटा का क्या होगा वन का जीरो साइन थीटा का कॉस थीटा. देन वन प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा एंड दिस शुड बी पुट टू जीरो फॉर टर्निंग पॉइंट्स. टर्निंग पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है. वी हैव आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा जीरो. तो नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस एंटायर क्वाड्रेटिक इंटू साइन क्योंकि यहां पे साइन स्क्वेयर है यहां साइन है तो इस साइन को हम नहीं पलट पाएंगे तो कॉस को हम साइन में जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज जीरो. तो रीअरेंज कर ले माइनस एंड माइनस टू साइन स्क्वायर राइट साइड ले गए तो टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन इज जीरो. नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक वी कैन फैक्टराइज इट. तो ये आएगा टू साइन थीटा दिस इज टू साइन स्क्वायर प्लस टू साइन थीटा माइनस वन यस इट इज राइट. तो आइदर दिस फैक्टर इज जीरो और दिस फैक्टर इज जीरो. तो अगर ये फैक्टर जीरो है तो साइन थीटा हाफ आएगा और अगर ये फैक्टर जीरो है तो साइन थीटा माइनस वन आएगा. बट इफ साइन थीटा इज माइनस वन तो थीटा तो फिर क्या हो गया थर्ड क्वाड्रेंट चला गया. वो पॉसिबल है नहीं बिकॉज थीटा हैज टू बी एक्यूट. जो थीटा एंगल हैज टू बी एक्यूट ये ऑब्ट्यूज हो ही नहीं सकता. तो देयरफॉर दिस ऑप्शन इज नॉट राइट ये ऑब्ट्यूज तो नहीं हो सकता. तो द ओनली सिचुएशन इज दिस देयरफॉर थीटा क्या हो गया 30 डिग्री. This is the possible point of maxima or minima. So now what should we do? पहले हम dA by d theta को जरा लिख लें. dA by d theta is r square cos square theta minus sine square theta. Now we should differentiate it again and put the value of theta equals to 30 degree to check whether it is point of maxima or minima. करिए d square a upon d theta square. आर स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट कॉस स्क्वायर थीटा का टू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा का क्या हो गया कॉस थीटा डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर थीटा का टू साइन थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा. तो इट बिकम्स आर स्क्वायर माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस फोर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा. तो नाउ डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री. चेक करें आर स्क्वायर माइनस फोर साइन 30 कॉस 30 माइनस कॉस 30. ऑब्वियसली सब फंक्शंस पॉजिटिव होंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल और रादर इंस्क्राइब्ड ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 30 डिग्री. तो नाउ वी सी दिस इज अवर सर्कल एंड लेट्स से दिस वाज अवर ट्राइंगल लेट्स से दिस इज ए बी सी दिस वाज ओ तो ये एंगल हमारा क्या आया था 30 जब एरिया मैक्सिमम है. तो ऑब्वियसली इफ एंगल ओ सी बी इज 30 तो एंगल ओ बी सी भी 30 होगा बिकॉज ये दोनों साइड्स इक्वल है ओ बी इक्वल टू ओ सी तो आइसोसेलिस ट्रायंगल है. देयरफॉर एंगल
बीओसी कितना हो गया 120 डिग्री, 180 माइनस 60 हो जाएगा, देयरफॉर एंगल बीएसी कितना हो गया 60 डिग्री, हाफ ऑफ व्हाट द एंगल एट सेंटर इज, ये एंगल अगर 120 है तो ये एंगल उसका हाफ होगा 60 डिग्री। सिमिलरली अगर हम सिमेट्री से देखें तो ये एंगल भी क्या होगा 30 होगा, क्योंकि अगर हम ये ट्रायंगल ले लेते तो भी यही आता, तो ये एंगल कितना हो गया 60, एंगल एसीबी क्या है 60 और बी ऑब्वियसली फिर एबीसी भी क्या होगा 60, देयरफॉर ऑल द थ्री एंगल्स आर व्हाट सिंस एरिया इज मैक्सिमम व्हेन ऑल द एंगल्स एट वर्टिसेस आर 60 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल फॉर्म्ड वुड बी इक्विलैटरल। दिस इज द आंसर, दिस इज व्हाट वी हैव टू शो। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वायर ऑफ लेंथ 25 मीटर्स इज टू बी कट इनटू टू पीसेस। वन ऑफ द वायर इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड द अदर इज टू बी मेड इनटू अ सर्कल। What should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and circle is maximum? So let's analyze this. क्या कह रहा है? Let's say we have a wire. The length of this wire is, let's say wire है AB. The length of this wire is 25 meters. Now it is being cut into two parts. Now when it says cut into two parts, it is not saying कि हमने आधा आधा कर दिया, midway उसको काटा है। इट इज सेम कि उसको कहीं पे हमने काटा है, तो वील टेक, लेट से हमने यहां पे काट दिया इसको, तो द फर्स्ट पीस हमारा क्या हो गया, वो लेट से ये हमारा पीस यहां तक का ये हो गया, एंड लेट से द सेकेंड पीस इज दिस, लेट से दिस इज ए, दिस इज सी एंड दिस इज बी। तो जो फर्स्ट कोई भी एक पीस से, वन ऑफ द वायर इज मेड इनटू अ स्क्वायर, एक से हमने स्क्वायर बना दिया, लेट्स से इससे हमने स्क्वायर बना दिया, एंड सेकेंड पीस से हमने एक सर्कल बना दिया, नाउ तो वो कह रहा है कि हम इस वायर को कहां पे काटें, एट व्हाट पॉइंट शुड बी कट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस का मतलब क्या हुआ, इसकी लेंथ क्या हो कि जिससे इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ के हम देखें तो वो मैक्सिमम एरिया निकल के आए। ऑब्वियसली जैसे 25 मीटर है, हमने एक पीस को जैसे एक 18 मीटर पे काटा तो ऑब्वियसली दूसरा 7 हो जाएगा, इससे हमने स्क्वायर बना दिया, इससे हमने सर्कल बना दिया, अब इसका एरिया निकाला, इनका सम ऑफ एरिया कुछ आ जाएगा। ऐसे ही हमने सपोज यहां पे 10 पे काटा, एक 15 काटा, फिर हमने एक इससे सर्कल बनाया, एक स्क्वायर सर्कल बनाया, दोनों का एरिया निकाला, कुछ एरिया आएगा, ऐसे हम सब एरियाज निकालेंगे। हम चाहते हैं कि ये एरिया मैक्सिमम आए, तो उसके लिए ये इंडिविजुअल लेंथ जो हमारी है, किस पॉइंट पे हम तार को काटें कि जिससे हमारा ये एरिया सम ऑफ एरियाज मैक्सिमम आए, ठीक है। तो लेट से वी स्टार्ट, तो लेट द वायर इज कट एट अ लेंथ ऑफ एक्स एक्स मीटर्स, यानी पहला लेंथ हमने जो काटा वो एक्स मीटर्स का है, तो ऑब्वियसली दूसरी लेंथ क्या हो जाएगी 25 माइनस एक्स, तो द अदर पीसेस ऑफ लेंथ 25 माइनस एक्स मीटर्स। लेट्स से फर्स्ट पीस से हमने क्या बना दिया स्क्वायर, तो जो हमारा ये वायर है इसकी लेंथ क्या है एक्स है, ये लेंथ जो है इसको हमने क्या शेप दी है स्क्वायर की, तो ऑब्वियसली इसके जो चारों साइड्स होंगे स्क्वायर के उनका सम इस लेंथ के बराबर होना चाहिए। तो लेट हमने जो स्क्वायर बनाया है, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी ए, तो ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है, स्क्वायर में तो चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी,
पर इन चारों का सम क्या होना चाहिए, 4a की लेंथ क्या होनी चाहिए जो तार की लंबान थी, बिकॉज उस तार को ही हमने बेंड करके ये स्क्वायर बनाया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, और रादर a इक्वल्स टू x बाय 4, मतलब इसका साइड ऑफ स्क्वायर क्या निकल गया है, x बाय 4 मीटर्स। सिमिलरली जो दूसरा पीस था ये वाला 25 माइनस x, इससे हमने क्या बना दिया है, सर्कल बनाया, इससे हमने बनाया था स्क्वायर। तो जो जो ये तार है, तार का टोटल लेंथ, ये पूरी लेंथ, ये तो 25 माइनस एक्स के बराबर होनी चाहिए। तो देयरफॉर लेट रेडियस ऑफ स्क्वायर जो बना, रेडियस ऑफ सर्कल जो बना वो आर था। तो देयरफॉर 2 पाई आर जो सर्कमफ्रेंस उसकी बनी शुड बी इक्वल टू 25 माइनस एक्स, जो तार का टुकड़ा था वो पूरी सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग बेंड किया है। तो देयरफॉर आर की वैल्यू क्या हुई, 25 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई मीटर्स। तो एक रेडियस भी आ गया और साइड ऑफ स्क्वायर भी आ गया, और ये दोनों वेरी करेंगे क्योंकि जिस लेंथ, जिस पॉइंट पे हम तार को काटेंगे उस हिसाब से x और 25 माइनस x बनेगा। तो अलग अलग दोनों के एरियाज आएंगे डिपेंडिंग ऑन किस पॉइंट पे हम काट रहे हैं। हम क्या चाहते हैं, व्हाट फंक्शन इज टू बी, व्हाट क्वांटिटी इज टू बी ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, एरिया को, किसके एरिया को, दोनों के एरियाज के सम को। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, मतलब इस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है। बट इसमें हमारे साथ क्या है, आर भी वैरी कर रहा है, ए भी वैरी कर रहा है, बट आर और ए हमने पहले ही निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ एक्स, ए वाज एक्स बाय 4 एंड आर वाज 25 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। तो वी कैन पुट दिस वैल्यू इन ए, तो पाई आर स्क्वायर दैट इज 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 16। नाउ योर एंटायर फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ एक्स, कोई इश्यूज ही नहीं है। देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ए बाय डी एक्स क्या आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट एंड दिस इज पावर फंक्शन। तो इसको एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करें तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, पर x की जगह है 25 माइनस x, देन वी मूव इनसाइड, तो 25 माइनस एक्स का क्या होगा, 25 का 0 और माइनस एक्स का माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x अपॉन 16 एंड दिस शुड बी पुट टू 0 फॉर टर्निंग पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स, एंड सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल तो कोई पॉइंट ऐसा होगा ही नहीं जहां पे ये डिफरेंशिएबल ना हो। तो लेट सिंप्लीफाई, देखिए 2 तो कैंसिल हो गया, कॉमन है, देन वी हैव x by 16 equals to plus of 25 minus x, right side ले गए इसको, upon 4 pi, 4 and 4 gets cancelled, cross multiply करें तो pi x is equal to 100 minus 4x, तो we get pi x plus 4x is equal to 100, which implies x is equal to 100 upon pi plus 4. Therefore, this is the potential point of maximum minimum, मतलब इस point पे maximum minimum हमें मिल सकता है। Now, to find कि जो point मिला वो maximum minimum है, उसके लिए second derivative करें, तो पहले dA by dx को हम लोग clean कर लें, this gives us x minus 25 upon 4 pi plus x by 8, तो differentiating again with respect to x, तो क्या होगा, d square a upon dx square क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई बाहर x का हो गया 1, 25 का 0 एंड x बाय 8 का 1 बाय 8 बाहर x का 1, तो वी फाइंड दैट द इंटायर टर्म इज पॉजिटिव, तो इंटायर टर्म ये पॉजिटिव आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू आई गेस वी हैव रिटन दिस रॉन्ग, या मिनिमम होना चाहिए, यस ये मिनिमम होना चाहिए, दिस इज मिनिमम, तो यहां पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू पाई अपॉन और रादर 100 अपॉन पाई प्लस 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, और पॉइंट ऑफ मिनिमा का मतलब क्या होता है, ये वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम इन द सेंस रिलेटिवली। तो ठीक है, तो यानी हमारी जो
वी डोंट हैव टू फाइंड आउट द एरियाज, रिस्पेक्टिव एरियाज. हमें तो ये बताना था कि लेंथ ऑफ वायर कहां काटे, तो हमने कहां पे काट दी, लेंथ ऑफ पॉइंट ऑफ मिनिमा, दैट इज सम ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल प्लस स्क्वेयर इज मैक्सिमम और रादर मिनिमम एट दिस वैल्यू ऑफ एक्स. इसका ये मतलब है. तो लेंथ ऑफ वायर कहां काटा है, पहले लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा, 100 अपॉन पाई प्लस 4 एक लेंथ हो गई, और जो दूसरी लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 25 माइनस एक्स. दूसरा पीस की लेंथ क्या हो जाएगी, पाई प्लस 4, विच इज 25 पाई प्लस 100 माइनस 100 अपॉन पाई प्लस 4, तो कैंसिल हो गया. तो सेकेंड पीस की, सेकेंड पीस है उसकी लेंथ क्या हो गई, 25 पाई अपॉन पाई प्लस 4 मीटर्स. Now we take the next question. Show that the cylinder of a given volume. What does this given volume matlab? Uska volume given hai, wo fixed hai. That is constant. It cannot be changed. Which is open at the top. Has minimum total surface area. Provided its height is equal to the radius of the base. Ab iska matlab kya hua? Let's draw the figure. Let's say we have a cylinder of a given volume, matlab uska volume fixed hai, volume is given, let that volume be V, ये फिक्स है. तो फिर चेंज क्या हो रहा है, चेंज उसका रेडियस और लेट से उसका हाइट, दो ही चीजें होती हैं. तो उसकी रेडियस और हाइट आप चेंज करिए, बट जो भी चेंज करिए उसका वॉल्यूम वही आना चाहिए जो गिवन है. लेट से अगर मैं कहूं वी 100 है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. तो R और H यू कैन चेंज, यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ R एंड H, बट इस ये जो पाई R स्क्वायर H की वैल्यू, ये हमेशा क्या है, 100 है. तो R और H बोथ आर वेरिएबल्स, बट ऑन कीपिंग द वैल्यू ऑफ R एंड H इन दिस फॉर्मूला यू शुड ऑलवेज गेट 100, ये कह रहा है वो. तो R और H हमारे वेरिएबल्स हो गए, दीज आर चेंजिंग कंटिन्यूसली. तो वो ये कह रहा है कि इस सिलेंडर जो कि ऊपर से खुला हुआ है, ओपन एट द टॉप, इसका मिनिमम टोटल सरफेस एरिया कब आएगा, जब इसकी हाइट और रेडियस बराबर होगी. तो वी हैव टू शो, रादर वी कैन राइट टू शो क्या है, टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन एच इज इक्वल टू आर. बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है. तो गिवन क्या है, वॉल्यूम है. तो सबसे पहले हमने कैसे स्टार्ट किया, लेट the radius of cylinder be r and height of cylinder be h. तो volume क्या हो जाएगा, pi r square h. now this is constant, जो pi r square h की value है, v volume, वो constant है, वो change नहीं हो रहा, r और h change हो रहे हैं. Now, what is to be optimized? Total surface area. Let's say P. तो total surface area इसका क्या होगा? Curved surface area plus flat area. तो total curved surface तो 2 pi r h हो गया of the cylinder. और flat surface area में खाली bottom का आएगा, क्योंकि open है ऊपर से, top without top है तो open ऊपर का area तो आएगा नहीं, तो therefore pi r square bottom का area हो गया. This is to be minimized. तो ऑब्वियसली इसमें R और H दो वेरिएबल्स हैं, तो वी शुड रिमूव वन ऑफ देम, क्योंकि सिंगल वेरिएबल में ही हमारा फंक्शन होना चाहिए. तो यू कैन आइदर कन्वर्ट H इन टर्म्स ऑफ R और R इन टर्म्स ऑफ H. तो इजी क्या रहेगा, अगर हम H को कर दें कन्वर्ट V अपॉन पाई आर स्क्वायर फ्रॉम दिस, तो सब्स्टिट्यूट करें 2 पाई आर इन टू एच की जगह V अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. तो टी कितना हो गया,
pi से pi, r से r, तो we have 2v upon r plus pi r square. तो पूरा फंक्शन r के टर्म्स में है वेरिएबल, तो we differentiate t with respect to r. तो क्या हो गया, dt upon dr is 2 upon 2v upon r को क्या लिख सकते हैं, 2v r raised to power minus 1. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2v is constant और r raised to power minus 1 का minus 1 into r minus 2 plus pi constant r square का 2r. This can be simplified as minus 2v upon r square plus 2 pi r and this should be equal to 0 for turning points या stationary points. To get the possible points जहां पे maximum minima हो सकता है. So this can be written as 2 pi r is equal to 2v upon r square. 2 and 2 gets cancelled. R को left side ले जाए तो r cube is equal to v upon pi. Therefore r is equal to v upon pi whole raised to power 1 by 3. मतलब ये potential point है जहां पे maximum minima हो सकता है. Now differentiate again with respect to r. What do we get? Minus 2v minus 2 times r raised to power minus 3, because इसको हम क्या लिख सकते हैं, minus 2v r raised to power minus 2 and plus 2 pi r का तो 1 हो जाएगा. It implies 4v upon r cube plus 2 pi. Now the value of d square t by dr square at r is equal to v upon pi raised to power 1 by 3 क्या होगा, इसकी वैल्यू एट r इक्वल्स टू v अपॉन पाई होल रेस टू पावर 1 बाय 3 क्या होगा, 4v अपॉन r क्यूब क्या हो जाएगा, r क्यूब की वैल्यू क्या है, v अपॉन पाई प्लस 2 पाई. तो वी हैव 6 पाई, बट 6 पाई तो पॉजिटिव वैल्यू है. देयरफॉर r इज इक्वल टू v अपॉन पाई होल रेस टू पावर 1 बाय 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम. और पॉइंट ऑफ मिनिमम मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा. और फंक्शन हमारा क्या था, टोटल सरफेस एरिया का, मतलब टोटल सरफेस एरिया वुड बी मिनिमम व्हेन आर इज इक्वल टू बी अपॉन पाई होल रेस्ट टू पावर 1 बाय 3. और बी क्या है, बी इज द कांस्टेंट वॉल्यूम जो हमको शुरू में दिया गया था. नाउ तो व्हाट इज एच, वी अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमको एच और आर में क्या रिलेशन दिखाना था, कि दे वर इक्वल, दे वुड बी इक्वल व्हेन टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम. तो वी क्या है, v upon pi r square कितना हो जाएगा, r square would be v upon pi whole raised to power 1 by 3 whole raised to power 2. So which is v upon pi, this can be written as v raised to power 2 pi by 3 into pi raised to power 2 by 3. तो ये cancel होके v 1 by 3 हो गया and ये cancel होके pi 1 by 3 हो गया. So we get v upon pi whole raised to power 1 by 3 and this is same as r. ये तो r के ही बराबर है. देयरफॉर क्या हो गया, h इक्वल्स टू r एंड देयरफॉर इट इज प्रूव्ड कि व्हेन टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द बेस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस. प्रूव हो गया हमारा. Now we take the next question. Show that the semi-vertical angle of a cone of maximum volume and of given slant height is cos inverse 1 by 3. Now what does this mean? Let's draw figure. Let's say this is a cone. ये उसकी हाइट हो गई एंड लेट्स से ये उसकी रेडियस हो गई. नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, गिवन इज द स्लांट हाइट, मतलब उसकी जो स्लांट हाइट है दैट इज गिवन, दैट इज कांस्टेंट, दैट कैन नॉट चेंज. मतलब ये लेंथ, दिस लेंथ इज नोन एंड दिस इज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रही. तो फिर चेंज क्या हो रहा है, चेंज उसकी हाइट और रेडियस है, वो चेंज हो रहा है.
वो चेंज होता रहेगा, लेकिन स्लांट हाइट कभी चेंज नहीं होगी, जो गिवन है दैट इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू जो दे रखी है। तो पहली चीज तो क्या हो रहा होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एल स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम हो रहा होगा। तो कहने का मतलब आर चेंज हो रहा होगा, एच चेंज हो रहा होगा, लेकिन एल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही होगी। तो आर और एच चेंज होगा, तो आर और चेंज एच चेंज होते रहे, लेकिन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू हमेशा एल स्क्वायर रहनी चाहिए। एल आपको गिवन है, गिवन वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेट्स से एल इज गिवन टू अस एज 100, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू 100 आनी चाहिए, सॉरी 10 है, सपोज एल इज 10, सपोज एल 10 गिवन है, तो आर और एच बदलता रहे, लेकिन उनके स्क्वायर का सम हमेशा क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए, क्योंकि एल हमारा चेंज नहीं होगा। कैसे, डिफरेंट कोण्स बन पाएंगे, अलग अलग कोण्स बन पाएंगे, और आर और एच चेंज होगा तो उसका ये एंगल भी चेंज होगा। नाउ दिस एंटायर एंगल इज कॉल्ड द वर्टिकल एंगल, और ये जो उसका हाफ है ये, दिस इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल। सेमी मीन्स हाफ, वर्टिकल मतलब ऊपर वाला, ऊपर वाले जो वर्टिकल एंगल है उसका आधा। ये एंगल क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/3 होगा जब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। आर और एच चेंज करते रहिए, डिफरेंट आर और एच पे डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स आते रहेंगे, उनमें से सबसे ज्यादा वॉल्यूम कब आएगा, कब आएगा, जब ये सेमी वर्टिकल एंगल कॉस इनवर्स 1/3 हो। तो हैविंग अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो लेट दी रेडियस ऑफ कोन बी आर एंड द हाइट ऑफ कोन बी एच एंड सेमी वर्टिकल एंगल बी अल्फा। अब आप कहेंगे कि इसमें हमने बहुत सारे वेरिएबल्स अस्यूम कर लिए, आर एच और अल्फा, तो विल रिड्यूस देम, ऑब्वियसली हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। इनफैक्ट हमें आर और एच लेने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज अगर हमने ये एंगल अल्फा ले लिया है तो एच और आर कैन बी फाउंड आउट इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड आर। तो लेट्स से वी पुट वैल्यूज ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी कॉस अल्फा होगा, सिमिलरली BC अपॉन AC would be sin alpha, ठीक है। तो AB की लेंथ क्या आ गई, AC cos alpha, और BC की लेंथ क्या आ गई, AC sin alpha। AC is given to us constant है L, and let slant height be L, और ये constant है क्योंकि ये given है, ये change नहीं होगी। L cos alpha, यहां हो गया L sin alpha। तो हाइट और रेडियस दोनों हमको L और अल्फा के टर्म्स में मिल गए। इनफैक्ट L कांस्टेंट है, सिर्फ अल्फा हमारा वेरिएबल रहेगा। तो अब हमें क्या चीज ऑप्टिमाइज करनी है, मैक्सिमाइज करनी है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई रेडियस क्या है, BC, दिस इज रेडियस एंड दिस इज हाइट, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और हाइट हो गया एल कॉस अल्फा। तो यह वॉल्यूम का फंक्शन इज एंटायरली इन टर्म्स ऑफ अल्फा, 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब तो डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, डिफरेंशिएटिंग बी विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो क्या आ जाएगा हमारा, dv by d alpha is 1/3 pi l cube which is constant, product rule लगाएंगे तो sin square alpha cos alpha का minus sin alpha plus cos alpha बाहर sin square alpha का 2 sin alpha और sin alpha का cos alpha, तो ये आ जाएगा pi l cube by 3 and you get minus sin cube alpha and you have प्लस 2 cos square alpha into sin alpha। अब क्योंकि इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी हमें निकालना पड़ेगा, दैट वुड बी अ लिटिल टफ अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो इसको पहले ही निकाल लेते हैं, d square v by d alpha square is pi l cube by 3।
What is the differentiation of sine cube alpha? 3 sine square alpha, we are using the chain rule, or sine alpha ka cos alpha. Plus, यहाँ product rule लग जाएगा, cos square alpha बाहर, sine alpha ka cos alpha, plus 2 sine alpha बाहर, cos square alpha ka 2 cos alpha into minus sine alpha. तो we can see कि कुछ common हो जाए तो, pi l cube by 3, we have cos alpha, cos alpha, cos alpha. तो cos alpha is out. तो minus 3 sin square alpha plus 2 cos square alpha plus 4 or rather minus 4 minus 4 cos alpha has been taken out. तो minus 4 sin square alpha. तो this can further be simplified as pi l cube by 3 cos alpha into 2 cos square alpha minus 7 sin square alpha. ठीक है. Now, ठीक है. This has been simplified d square b by 3 alpha square. Now, we have to put the first derivative equal to 0 for turning points to get the potential points where maxima minima could occur. Stationary points bhi keh sakte hain. So what do we get? Pi l cube by 3 to 0 hai nahi. So therefore we have sine cube alpha is equal to 2 cos alpha into sine alpha. साइन अल्फा कॉमन ले लें लेफ्ट साइड ले जाके साइन क्यूब अल्फा माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा इनटू साइन अल्फा इज जीरो साइन अल्फा इज कॉमन तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा इज जीरो विच मींस आइदर साइन अल्फा इज जीरो और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा इज जीरो तो साइन अल्फा जीरो हो नहीं सकता बिकॉज इफ अल्फा इज जीरो तो फिर सेमी वर्टिकल एंगल ही नहीं है तो कोण फॉर्म ही नहीं हो पाएगा तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा व्हिच इंप्लाइज टैन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा से बोथ साइड डिवाइड कर दें तो 2 हो गया तो टैन अल्फा कम्स आउट टू बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बट इफ टैन अल्फा रूट 2 है तो सही है एक्यूट एंगल आएगा माइनस रूट 2 है तो ये ऑब्ट्यूज आएगा एंड सेमी वर्टिकल एंगल जो ऊपर है वो ऑब्ट्यूज हो नहीं सकता तो देयरफॉर tan alpha सिर्फ क्या होगा root 2 so this is the or we can write this as alpha is tan inverse root 2 now this is the potential point या candidate for the point of maximum minima इस पे हो सकता है now तो second derivative पे check कर लेते हैं d square v upon d alpha square इसकी value क्या आई थी pi l cube by 3 into cos alpha and we had 2 cos square alpha माइनस 7 साइन स्क्वायर अल्फा तो टैन अल्फा की वैल्यू हमको गिवन है रूट टू वी कैन यूज द ट्राइंगल रूल दिस इज अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज रूट टू अपॉन 1 रूट टू के अपॉन के तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 रूट 3 के तो वी शुड ट्राई दिस वैल्यूज पाई एल क्यूब बाई 3 कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 1 अपॉन रूट 3 2 इंटू कॉस अल्फा इज 1 बाई 3 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 7 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा साइन अल्फा क्या हो जाएगा रूट 2 बाय रूट 3 और कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 तो वैल्यू क्या आई दिस कम्स आउट टू बी पाई एल क्यूब बाई 3 इंटू रूट 3 एंड 2 बाई 3 और ये 14 बाई 3 यानी माइनस 12 by 3 which is 4 basically negative आ रहा है because L slant height है वो positive ही होगी बाकी सब terms positive है therefore volume of cone is maximum when alpha equals to cos in or rather tan inverse alpha is tan inverse root 2
पर हमको तो आंसर जो देना है वो कॉस इनवर्स के टर्म्स में देना है, तो वी कैन वेरी वेल फाइंड दिस आउट थ्रू दिस ट्राइंगल इटसेल्फ। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? कॉस अल्फा इज 1/√3, तो देयरफॉर अल्फा कैन ऑल्सो बी रिटन एज कॉस इनवर्स 1/√3, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। मतलब हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम कब है? व्हेन द सेमी वर्टिकल एंगल इज कॉस इनवर्स 1/√3।